श्री वाहेगुरु साहिब जी, माह दिवस मूरत भले, जिस कौ नदर करे, नानक मंगै दर्शदान, कृपा करहो हरे। नाहौं जति सति नहीं पड़या, मूरख मुगधा जन्म भया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सहु गुर सहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा दैसाहो, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, वैसाख तीरन क्यों वाडिया, जिन्ना प्रेम बिछो, हर साजन पुरख विसार कै, लगी माया तो हो, वैसाख तीरन क्यों वाडिया, जिन्ना प्रेम बिछो, हर साजन पुरख विसार कै, लगी माया तो हो, पुत्र कलत्र ना संग धना, हर अविनाशी ओ, पलच पलच सगली मोई, झूठा तंदा मोह, इकस हर के नाम बिन, अग्गै लइयह खोहे, दइयो विसार विगुचणा, प्रभ बिन अवर ना कोय, प्रीतम चरणी जो लगे, तिनके निर्मल सोए,
नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलहु प्राप्त होए, वैसाख सुहावा तां लगै, जा संत भेटै हर सोए, नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलहु प्राप्त होए, वैसाख सुहावा तां लगै, जा संत भेटै हर सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज, दीन दुनिया दे मालक, चबर छतर तखत दे मालक, समर्थ गुरु प्रतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर, वाहिगुरु अकाल पुरख जी का सरगुण स्वरूप, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरु जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान सतगुरु जी की प्यारी साजी नवाजी संगत जी, देशां विदेशां दे विच आपो अपने घरां दे विच बैठ के अपने चित नूं वाहिगुरु जी दे नाल जोड़न दा जतन कर रही गुरु रूप गुरु प्यारी संगत जी, सतगुरु जी की कृपा दे नाल वैसाख दे महीने की आरंभता हुई है। वैसाख दे महीने का जो सतगुरु जी ने बाणी दे विच कृपा करके सानू उपदेश बख्शिश किया है, उसका पाठ आप जी ने सरवण किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साढ़े सतगुरु जी हैं, साढ़े मालक हैं, आपां सारे ही सतगुरु जी के चरणों के जुड़ के बैठे हाँ। सतगुरु जी के 133 अंग के उत्ते 12 महाबाणी आरंभ हुंदी है। 12 महाबाणी का भाव 12 महीने माझ राग दे विच सतगुरु गुरु अर्जन देव जी पंचम गुरदेव जी ने इस बाणी नूं उचारण किया है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज नूं गुरसिखां ने बेनती की सी, सच्चे पातशाह हर संपर्दा दा व्यक्ति हर धर्म के लोग संगरांद के दिन नूं मनाउंदे हन, भाव जिस दिन महीने का पहला दिन हुंदा है परमेश्वर की याद विच जुड़दे ने। सतगुरु सानू की उपदेश है, असी की करिया करिए। जिथे अज गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल है, मेरे मालक गुरु अर्जन देव जी उस समय उत्थे बैठे सन। सतगुरु जी ने कहा, सिखो तुखारी राग दे विच गुरु नानक देव महाराज जी ने 12 महाबाणी उचारण की है, तुसी उहदे अर्थ पढ़िया करो, अर्थ सुनिया करो। गुरसिखां महाराज नूं बेनती की, सच्चे पातशाह तुखारी राग की जिहड़ी बाणी है 12 महां दी, सच्चे पातशाह वह बाणी बड़ी डूंघी अर्थ वाली है, डूंघे भाव ने उहदे विच, सूखम बिरती वाले उसनूं समझ सकदे है। सानू सरल बाणी दसो, क्योंकि साध संगत जी एक 12 महां जिहड़े तुखारी राग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सुभाएमान हन, वह 12 महां दे अर्थ बड़े डूंघे ने। सतगुरु जी ने उहदे विच कई तरह के अलंकार वरते है। महाराज ने फिर कृपा की संगतां की बेनती नूं मन के यह बाणी माझ राग दे विच गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने उचारण की है। इहदा मुख भाव जिहड़ा है, पहली पंक्ति यह है, किरत करम के विछोड़े कर कृपा मिलहु राम। जे इस पंक्ति दे अर्थ करिए बड़ा लंबा समा लग जाएगा,
दो गल्लां महाराज ने कहियां हन, एक किरत है ते दूजा करम है। संगत जी, जेड़ी किरत है, माड़ी किरत होवेगी उहदा प्रशादा छकांगे, उहो जिहा खून बनेगा। जदों माड़ी किरत होवेगी, माड़ा खून बनेगा, अंदर दे विचार भी माड़े बनणगे, बुरे बनणगे। ते जदों साडे अंदर दे ही विचार बुरे बन गए ते फिर वाहिगुरु तों विछोड़ा पै जांदा है। किरत करके ही जिहो जी किरत हुंदी है, कमाई हुंदी है, उहो जिही बंदा कर्म करदा है, उहो जिही फल मिलदा है। माड़ी किरत दे नाल माड़े कर्म हुंदे है ते माड़े कर्मां दे नाल फिर वाहिगुरु जी तों विछोड़ा पै जांदा है। हुण कीते होए कम्मां करके विछोड़ा पै गया ते फिर बेनती की भी मिलाप किवें होएगा। ते गुरु अर्जन देव सच्ची सरकार ने कृपा की, मिलाप होएगा रब की मेहर नाल। इस करके महाराज कहिंदे, सिखो अरदास करिया करो, कर कृपा मिलहु राम। हे राम जी, भाव परमेश्वर की कृपा करके सानू अपने नाल मिला लो। चेत दे महीने का उपदेश आप जी ने पिछले महीने च सरवण किया है। वैसाख दे महीने विच जो महाराज उपदेश देंदे है वह आपां सरवण करना है। सतगुरु कृपा करदे है, वैसाख दे महीने की पहली पंक्ति जिहड़ी है तुखारी राग विच बारहवां जदों आउंदा है उहदे विच आउंदा है, वैसाख भला शाखा वेस करे। वैसाख नूं भला मन्निया है। वैसाख दे विच की करदा हुंदा है, शाखावां जिहड़ियां ने उह वधदियां ने, रुख हरे भरे होण लग पैंदे है। जदों रुख हरे भरे हुंदे है टाणियां वधदियां ने, पत्ते आउंदे है, हौली हौली फुल आउंदे है, फुल फलां दा रूप धारण करदे है। इहनूं महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर कृपा कीती है, बाणी दे विच वैसाख नूं भला महीना मन्निया है। हुण जिथे वैसाख नूं भला महीना मेरे सतगुरु जी ने मन्निया, वैसाख दा बाहरी भाव इहो ही है। वैसाख, साख दा भाव हुंदा शाखावां टाणियां, ते वह भाव वेस करना वड्डियां होणियां। वैसाख दे महीने दे विच रुख हरे भरे हो जांदे है ते सतगुरु जी ने दस्या, एक बाहर दा वैसाख है, एक अंदर दा वैसाख है। इहनू बड़े ध्यान नाल संगत जी आप जी समझण दा जतन करियो। बाहर दा वैसाख रुख टाणियां फुल बूटे हरे भरे होण लग पैण, उह बाहर दा वैसाख है। अंदर दा वैसाख की है? जदों सिख दा अंदर हरा भरा होण लग पवे, मन हरा भरा होण लग पवे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी विच 22 वारां आउंदियां ने। 22 वारां विच्चों सब तों जे आपां अखरां करके पंगतियां करके कहीए, आकार विच छोटी बाणी है कोई वार है, उहनूं बसंत की वार कहिंदे है। बसंत ते वैसाख दा अर्थ की है? बसंत भी हुंदा है जिहदे च खेड़ा हुंदा है, रुख हरे भरे होण लग पैंदे है। वैसाख की है? जिहदे विच रुख हरे भरे होण लग पैंदे है। ते बसंत की वार छोटी वार है, पंगतियां थोड़ियां ने। ते बसंत दी वार दे विच गुरु अर्जन देव महाराज ने कृपा करके दस्या है कि रुख तां हरे भरे हुंदे है, ते बंदिया तूं हरिया भरिया किवें होएगा? रुख उह हरा भरा होएगा जिहड़ा जड़ दे नाल जुड़िया रहेगा। जिहड़ा जड़ दे नाल नहीं जुड़िया रहिंदा, जड़ तों टुट जांदा है, साध संगत जी, वह रुख कदी हरिया भरिया नहीं हो सकता। वह रुख हौली हौली सुकन लग पैंदा है, सुकदा सुकदा एक दिन खत्म हो जाता है। महाराज कहन लगे, बंदा हरिया भरिया किवें होएगा? वो
बसंत दी वार च सतगुरु जी ने कृपा की, हर का नाम त्याय कै हो हरिया भाई। महाराज कहन लगे तू हरी दा नाम त्या, हरिया भरिया रहेगा। हरे भरे दा अर्थ की है? हो हरिया भाई, मन भी हरिया रहेगा ते तन भी हरिया रहेगा। हरे दा भाव हुंदा तंदुरुस्त। किसे पौधे नू पत्ते लगते है, रुख नू पत्ते लगते है, जदों रुख पूरा जवान हुंदा है, उहदे पत्तियां दे खेड़ा वखरा हुंदा है। इसे तरह दसदे है भी इह पत्ते पूरे जोबन ते ने, हौली हौली पत्ते भी बुढ़े होण लग पैंदे है, पत्ते भी सुकण लग पैंदे है। अंदर हरिया होण दा भाव है नाम जप जप के अंदर शांति आवे, अंदर प्रेम आवे, मन दे अंदर टिकाओ आवे। वो टिकाओ परमात्मा दे नाम नाल आएगा। कई लोग दवाइयां खांदे है, बड़े बड़े टीके लवाउंदे है भी साडा मन विकारां तो शांत रहे, पर अंदर जिहड़ी शांति है वो वाहिगुरु दे नाम दे नाल आउंदी है, दवाइयां नाल नहीं आउंदी। जदों वाहिगुरु दा नाम जप के अंदर हरा हुंदा है ना, अंदर शांति आउंदी है, ते शरीर फिर आपे ही तंदुरुस्त होण लग पैंदा है। काम क्रोध काया को गल है, ज्यों कंचन सुहागा ढलै। काम ते क्रोध ये दो चीज़ां ऐसियां ने, ये साडा शरीर खत्म कर दियां ने, साडे शरीर नूं डैमेज कर देंदियां, साडे शरीर नूं खत्म कर देंदियां। गुरु साहब अगे अरदास करिया करिए, महाराज इस काम क्रोध तो बचाओ सानू। काम क्रोध बारे महाराज कहिंदे दुंदर बंधो सुंदर पावहो। जदों अंदर नाम आ गया फिर काम क्रोध तो बंदा बचण लग पैंदा है, ते जदों काम क्रोध तो बचण लग पिया फिर मन दे नाल नाल तन भी हरिया होण लग पैंदा है, शरीर भी ठीक होण लग पैंदा है। अंदर हरा भरा तां रहना है जे वाहिगुरु दा नाम है। बाहर टाणियां ने वेश कर लिया, बाहर टाणियां वधण लग पईआं, उहनूं वैसाख कहिंदे है, शाखावां वधण फुलण लग पईआं, ओह वैसाख है। अंदर दा वैसाख उदों हुंदा है साध संगत जी जदों अंदर नूं शांति आउंदी है वाहिगुरु दे नाम नाल, अंदर आत्मक गुणां दा वाधा होण लग पैंदा है, वह अंदर का वैसाख है। और प्यारे चेता रखियो, बाहर का वैसाख तो हो सकता एक महीने रवे, पर अंदर का जिहड़ा वैसाख है उहदा संबंध फिर महीने दे नाल नहीं है, वह फिर सदा वास्ते ही आनंद है। सो महाराज जी ने वैसाख दे महीने का जिहड़ा उपदेश दिता है उहदे अखरी अर्थ भी आपां करने हैं। हजूर महाराज कृपा करते हैं, पहली पंक्ति विच भी वैसाख शब्द सतगुरु जी ने वरत्या है, ते दूसरे वाहिगुरु संपूर्णता वाली पंक्ति विच भी वैसाख शब्द वरत्या है। पहली पंक्ति जदों उचारी है इहदे वैसाख दे खखे नूं सिहारी महाराज ने लाई है। संपूर्णता वाली जिहड़ी पंक्ति उचारी है ना जी, इहदे वैसाख दे खखे नूं सतगुरां ने औंकड़ लाई है। हुण संपूर्णता वाली पंक्ति तो चलीए। वैसाख सुहावा तां लगै जां संत भेटै हर सोए। वैसाख सुहावा किवें लगेगा? महीना नवा चढ़दा ते सारे कहिंदे आ भी गुरु घर आ के अरदास भी करदे आ कि इह महीना साडे लई शुभ रवे, इस महीने अंदर साडे अंदर सुख वरतण। ते सतगुरु जी कृपा करदे है, सारे शब्द विच दसदे है वैसाख सुहावा किवें रह सकदा है, वैसाख दे महीने विच तुसीं सुखी किवें रह सकदे हो।
सतगुरु जी ने इहदे विच इस मुख वाक विच किरपा कीती है, गरीब नवाज किरपा करदे है। वैसाख धीरन क्यों वाढिया, जिन्ना प्रेम बिछो। वैसाख खखे नू सिहारी है, इहदा भाव है वैसाख दे महीने दे विच। महाराज कहिंदे उहनां नू धीरज किवें बज्जे जिन्हां दे अंदर प्रेम ही नहीं हैगा। बाहर दी हरियावलता वेखीए ना, वैसाख दे महीने च रुत दा अपना असर है। वैसाख दे महीने विच बाहर दी हरियावलता जदों असीं देखदे हां ते बाहर दी हरियावलता वेख के अखां नू सकून मिलदा है। इत्थे शहरां विच रहण वाले जदों पिंडां दे विच जांदे है तां वेखदे है, रुख वेखदे है, हरी भरी फसल वेखदे है, उन्हां दीआं अखां नू सकून मिलदा है। अखां नू जदों सकून मिलदा है कहिंदे है बड़ा चंगा लगा। ते इसे तरह अंदर नू सकून किवें मिले? मन नू सकून नहीं मिलदा। चेता रखियो, बाहर दे पैसे कमाउण दा बंदे नू पता लग जांदा है, एक लाभ है। बहुते पैसे वाले होण दा एक लाभ है बंदे नू। बड़े ध्यान नाल सुणियो, किसी को ज़्यादा पैसा आ गया, कोई धनी पुरश बन गया, उहदा एक लाभ वड्डा है। मैं ये नहीं कहिंदा भी पदार्थ आ जाणगे, जे है वो है, नहीं। एक सुख बहुत वड्डा है बाहर दी माया आउण दा। वह किहड़ा सुख है? बंदे नूं अंदर दी कंगालता दा पता लगण लग पैंदा है कि बाहरों तो पैसे बहुत आ गए है पर अंदरों मैं कंगाल हाँ। अंदर अजे कोई किरपा नहीं हुई, अंदर अजे कोई धीरज नहीं आया, कोई शांति नहीं आई। बाहरों बड़े पैसे कट्ठे कर ले पर उहदा वड्डा लाभ यह है बहुते वड्डे धनी नूं अपने अंदर दी कंगालता दा पता लगण लग पैंदा है। सतगुरु जी ने इहो ही किरपा कीती है। बाहर तो बड़ा सकून है, हरियावलता वेख के सकून मिलता अखां नूं, पर अंदर प्यार नहीं है ना। तो सतगुरु कहिंदे प्यार तो बगैर धीरज किवें आएगा? परमेशर का प्रेम नहीं है। जिन्ना प्रेम बिछोह, एक है छो एक है बिछो। छो का अर्थ हुंदा छूना, ते बिछो का अर्थ हुंदा छूना ही ना। जिन्हां नूं प्यार ने कदी छोया ही नहीं है, जिन्हां दे अंदर नूं कदी प्यार लगा ही नहीं है, कदी नितनेम का रस आया ही नहीं, कदी गुरमंत्र का रस आया ही नहीं, कदी कीर्तन का रस आया ही नहीं, कदी परमात्मा दे नाम का रस आया ही नहीं, ते गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे प्यारियो बाहर का सुकून तो बहुत है पर अंदर नूं धीरज नहीं है। ते चेता रखियो, बाहरों भावें सुकून ना भी होवे पर मन नूं धीरज मिल गया ना ते बड़ा वड्डा आसरा मिल जांदा। हजूर महाराज ने फिर दस्या, अंदर नूं धीरज क्यों नहीं मिलता? धीरन क्यों वाढ़ियां, प्यार तो वांझे धीरज क्यों नहीं मिलता? वह सतगुरु ने अगली किरपा च दसिया। महाराज कहिंदे पता अंदर नूं धीरज क्यों नहीं मिलता? अंदर शांति नहीं आउंदी, अंदर सुकून नहीं आउंदा, क्योंकि हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो। रब नूं ते भुलाया पिया। हर साजन
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜਣ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਗਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਸ 'ਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੀ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ, ਅੰਦਰ ਧੁੱਖ ਤੁਖੀ ਲੁੱਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਆਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਹਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਥਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੁੱਖ ਤੁਖੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੁੱਖ ਤੁਖੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂ। ਕਲੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਲਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਭ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਰ 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 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਹਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਓ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ,
ਭਲਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਘਰਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ? ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਹਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਹਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੇ ਮੋਈ ਝੂਠਾ ਧੰਦ ਮੋ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਪਲਚਿਆ ਪਲਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਸੱਚਾ ਧੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚਾ ਧੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਪਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਧੰਦਾ। ਧੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ, ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੜਾ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਹਿ ਖੋਹੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਖਟਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ ਜਗਾਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੋਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਧੁੱਪੇ ਤੁਰਦਾ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਸੱਜਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਹੈ ਨਾ।
महाराज कहिंदे ये सब कुछ तो एक है पुन कर्म किते, ये अगले रस्ते च भी खोए जाते हैं, नाम नहीं खो सकते। एक है पैसा इकट्ठा किया, ये भी पहले ही खोया जाता। किवें भावें दास है तो भावें तुसी हो, असी जिन्या ने जिनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है दसो किने नाल लैके जानी है। वह तो पहले ही घरदिया ने खो के एक पासे रख लैनी है, घरदिया ने पहले ही कागजा ते साइन करा लेने हैं। तो जे साडे कोलों नाम ही कराए तो मरण तो बाद आपे ही उन्हां दी। साडा तां साडे कपड़िया ते हक कोई नहीं, अगे गए जेडे कपड़े पाए है इन्हां ते हक कोई नहीं, तो होर कुछ किवें लवांगे। पर एक परमात्मा का नाम है जिहड़ा अगे भी साथ देंदा है। सो गुरु अर्जन देव साहब कृपा कर दे, एक सहार के नाम बिन अगे लई है खोहे। इस अगे का अर्थ है पहला ही, सब कुछ पहला ही खोया जाता है। दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोए। एक परमेशर नू भुला के खराब ही होए है सारे। गुरु अर्जन साहब कहिंदे परमेशर तो बगैर रखण वाला होर कोई भी नहीं है। जेड़ा बंदे नू रख लवे उहदी इज्जत रख लवे, परमेशर तो बगैर होर कोई भी नहीं। दयो दा अर्थ है दयालु, चेता रखियो। जिन्हां ने संथिया नहीं कीती हुंदी उह इहनू दयो नहीं पढ़दे, दये कह देंदे आ बहुत सारे। दद्दा है यईया है, तो यईये नू सतगुरां ने औंकड़ पाई है, ये पाठ बणदा दयो। विसार विगुचना उस दयालु, जिहड़ा रब बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही दयालु है, उस रब नू भुला के विगुचना खराब ही होना पैंदा। प्रभ बिन अवर ना कोए, प्रभ बिन अवर ना कोए, प्रभ बिन अवर ना कोए, प्रभ बिन अवर ना कोए। परमेशर तो बगैर है ही कोई नहीं दूजा जेड़ा रखे। ते महाराज कहन लगे सच्चे पातशाह जिन्हां ने साजन पुरख नू विसारिया नहीं, भुलाया नहीं, जिन्हां ने परिवार दे धंदियां विच पै के परमेशर नू नहीं भुलाया, खराब नहीं होए, उन्हां नाल की बनदा। उरे बारे गुरु अर्जन साहब कृपा कर दे। प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोए। सोए सोए दा अर्थ हुंदा है शोभा। प्रीतम जेड़े उस प्रीतम परमेश्वर वाहिगुरु दे चरणा दे नाल लग जांदे है। परमेश्वर दे चरणा नाल लगना की है? परमेश्वर दे चरणा दे नाल लगना है दसवें पातशाह दसदे है, हिरदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे ओ पाल। हिरदे च गुरु दे चरण वसाउणे की है? शब्द की कमाई करनी। जाप साहब जी का पाठ करते हो, जाप साहब विच गुरु दसवें पातशाह कृपा करते चित चरण नाम। चित परमेशर दे चरण की है? वाहिगुरु का नाम। चित चरण नाम प्रीतम दे चरणी लगना की है? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जेड़े उहदे चरणा नाल जुड़ गए, भाव उहदे नाम नाल जुड़ गए, महाराज हुंदा की फिर उहनां दा? गरीब नवाज कहिंदे तिन के निर्मल सोए, उहनां दी शोभा हो जांदी निर्मल। मैल तो रहत शोभा हुंदी है। चेता रखियो समाज च कई बंदे नाल पैसे रख के अपने बंदे रखदे है, पैसे दे दे के
कि माया दवांगे साडे नाल बंदे रहणगे साडी शोभा होएगी प्रभाव पएगा। अज सारा जोर लगा पिया दूजे दे उत्ते प्रभाव पवे, किसी तरीके नाल दूजे दे उत्ते प्रभाव पवे, साडी शोभा वधे ते शोभा नूं वधाउण वास्ते बंदा धार्मिक बाणा भी पा लैंदा है, मेरी शोभा होवे। कले धार्मिक नहीं, कोई ऑफिस च बैठा है वो दूजियां नाल चंगा विहार करदा है, मेरी शोभा होवे। मेरा जस होवे, गरीब नवाज कहिंदे असली जस उहदा है जिहड़ा प्रीतम दे चरणां नाल लग जांदा है। तुसीं जाके वेख लो जिहड़े सतगुरु जी दे चरणां नाल लगे है, जिन्हां गुरु जी दा दस्सिया होया नाम दी कमाई कीती है, उहनां दी शोभा पवित्र हो गई है। महाराज कहिंदे सच्चा मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, फिर सारा जहान आल वर्ल्ड उस बंदे दी सिफत करदा है जिहड़ा उहदे परमेश्वर दे चरणां नाल लग जांदा है। उहदी शोभा च मैल नहीं हुंदी साध संगत दी, उस व्यक्ति की शोभा च मैल नहीं होंदी। कई बारी की होंदा सामने लोग बड़ी जी हजूरी करते हैं, सलाम करते हैं, सिफत करते हैं, पिछों निंदिया कर देंगे, पिछों कहते कितों आ गया इहदे वर्गा तो बुरा बंदा ही कोई नहीं है। सामने तो बड़ी तारीफ है पर पिछों नहीं हैगी, इहदा मतलब इहदी शोभा जिहड़ी है इह निर्मल नहीं हैगी। महाराज कहिंदे निर्मल शोभा परमेश्वर दे नाम दी है। निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला, कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसे सब संग। मैल रहत हो जाएगी रसना जदों तू परमेश्वर दा नाम जपेगा। सो महाराज कहिंदे इस संसार च उन्हां दी वडियाई, उन्हां दा अंदर हरा भरा हो गया जेडे परमेश्वर दे परमात्मा दे चरणां नाल जुड़दे है, उहदे चरणां नाल जुड़न दा जतन भी करदे है। हुण आपां नहीं जुड़े पर कोशिश ते कर सकदे हां ना, कोशिश करिए भी उहदे चरणां नाल जुड़ सकीए। ज्यों ज्यों उहदे चरणां नाल जुड़ी जावांगे, नाम नाल जुड़ी जावांगे, त्यों त्यों साध संगत अंदर सुख वखरा ही वरतदा है, अंदर शांति वखरी वरतदी है जिहड़ी पैसिआं नाल नहीं आउंदी। सो संपूर्णता दे उत्ते महाराज कृपा करदे है। नानक की बेनती वाहिगुरु, नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त हो। महाराज सच्चे पातशाह सानू कहिंदे है टकाउंड अपने ते रहे है, देखो सतगुरु की दयालता टका अपने ते रहे है, कहिंदे अपने आप नू पर समझाउंदे सानू है सिखो इस तरह बेनती करिया करो। किवें प्रभ मिल हो प्राप्त हो, हे परमेश्वर जी मैनू मिलो। असीं वेख लीए साडी जिंदगी लंघ चली है, ईमानदारी नाल सोचिए विचारीए अपने विच्चों किन्ने कु ओह पुरश ने जिहड़े ये बेनती करदे होण कि परमेश्वर जी तुसीं सानू मिलो। विरले विरले संसार च थोड़े थोड़े है जिहड़े रब अगे ये बेनती करदे होण कि परमेश्वर जी असीं तुहानू मिलिए, ये किरपा साडे ते कर दिओ। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिल हो प्राप्त होए, तुहाडा नाम सानू प्राप्त होवे। ते संपूर्णता उत्ते महाराज कृपा करदे है, फिर वैसाख लिखदे है। वैसाख सुहावा तां लगै, जा संत भेटै हर सोए। वैसाख दा महीना भाव ए जीवन उदों सुहावा है
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਵੱਧਦਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੇਟ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਭੇਟਾ। ਭੇਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭੇਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਨਾ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟਾ ਹਰ ਸੋਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਟੋਗੇ, ਮਿਲੋਗੇ, ਵੈਸਾਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੋ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਸਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਐਸੇ, ਬੋਲੇ ਗਰਜਤ ਜਲ ਧਰ ਜੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਬ ਇੱਕ ਐਸੋ ਪੰਥ ਬਣਾਉ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗਾ, ਲਾਖੋ ਨਰ ਜਗ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਈਂ, ਪਰਹੇ ਸਿੱਖ ਤਿਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਈ, ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਥਕ ਪਛਾਨੋ ਪਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 80,000
उस समय का इकट्ठ सीगा बाजा वाले सतगुरु जी के चरणों च हाजिर होया। वैसाखी की संगरांद शब्द पढ़े जा रहे हैं, वैसाख सुहावा तां लगा जा संत भेटै हर सोए। कीर्तन की संपूर्णता ही हुई है। मेरे सतगुरु जी ने एक सिर की मंग की जी, हौली हौली करद्या करद्या पांच सिर मंगे है, पंजां सिंकां सिरां नूं उतार दिता है, ते सच्चे पातशाह ने मुड़ उन्हां दे सीस जोड़े है अमृत की ताकत नाल। अज दे दिन सतगुरु जी अमृत छकाउंदे है, अमृत छका के खालसा पंथ मेरे सतगुरु जी ने साजिया। पंज प्रधानी रहत गरीब नवाज जी ने इस वैसाखी दे उत्ते साडे उत्ते कृपा की, बख्शिश की। पंज प्रधानी रहत बख्शिश की, जिथे पंज प्यारे बख्शिश किए, पंज ही सतगुरु जी ने सानू ककार बख्शिश किए है, कंघा कड़ा केस कृपान कछहरा। जेड़ा इन्हों का धारनी है वह गुरु का सिख है, गुरु का सिंह है। ते पंज बाणियां बख्शिश कीतियां हन, श्री जपजी साहिब, जाप साहिब, सवैये चौपाई ते आनंद साहिब। ये बाणियां मेरे सतगुरु जी ने बख्शिश कीतियां। संसार दे इतिहास विच ये महाराज ने सब तो वड्डा अज दे दिन कर्म कर दिता। संसार दी झोली, सारे संसार दी झोली च सारे संसार दी रक्षा करन वाला खालसा पंथ साजिया। खालसा पंथ केवल एक फिरके दा नहीं है, एक कौम दा नहीं है, खालसा पंथ सारे ही संसार दा है। इस करके खालसे दी साजना दी हिंदू नूं भी वधाई होवे, खालसे दे साजने दी मुसलमान नूं भी वधाई होवे, खालसे दे साजने दी ईसाइयां नूं भी वधाई होवे। खालसा मजलूमां दी रक्षा करन वास्ते, गऊ गरीब की रक्षा करने वास्ते मेरे बाजा वाले ने साजिया। और वैसाखी वाला दिन है जदों ये बोल भाई गुरदास जी दूसरे ने उच्चारण किए, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुरु भी आप ने ते चेले भी आप ने। पहला गुरु बना, गुरु बन के आप अमृत छकया, वाहेगुरु आप अमृत छकाया, ते बाद विच उन्हां पंजां दे अग्गे हाथ फैला के आप महाराज ने अमृत दी दात लई है। आप सच्चे पातशाह ने अमृत छकिया। भाई गुरदास जी दूसरे ने कहा वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सो खालसा साजना दिवस दी वैसाखी दियां गुरु कीआं संगतां नूं बहुत बहुत बधाईआं होण। इतिहास दी कथा दे विच असीं इह सारे प्रसंग दी विचार करांगे। अज आपां बाणी दे शब्द दी विचार कीती है, इस करके लंबी इतिहास दी विचार दास ने बेनती नहीं कीती। अंदर नूं तीरज परमेश्वर दे चरणां नाल जुड़ के मिलना है। गुरु साहिब कृपा करन साडा अंदर वाहिगुरु जी दे नाल जुड़ सके। रब दे प्यारे बंदगी करन वाले पुरशां नाल साडी भेंट हो सके, मुलाकात होवे, साडा अंदर रंगिया जावे। ये सतगुरु जी कृपा करन भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शिश करनी दी। प्यार नाल गज के फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।